गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की गजराल कोर ने कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय सेना की गजराल कोर ने कहाँ पर, किस राज्य में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो यह कहाँ पर किया है? असम। और असम की जो राजधानी है उसका नाम है तेजपुर। क्या है? तेजपुर। और हाल ही के अंदर जो यूपीएससी 2022 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसके अंदर जी बॉयज टॉपर जो रहे हैं मयूर हजारी का, उन्होंने फिफ्थ रैंक हासिल की है, वो असम तेजपुर के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, किसे अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो प्रशांत दामले को अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह सर्च करके बताइए कि अखिल भारतीय नाट्य परिषद का परिषद की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कब स्थापित की गई थी। और अध्यक्ष तो मैंने आपको बताई दिया कि हाल ही में इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रशांत दामले को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिकल से संबंधित जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? तो ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है, मतलब गोल्ड मेडल जीता है महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है, टाटा संस के चेयरमैन एंड चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? टाटा संस के चेयरमैन, तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह है कि टाटा संस के चेयरमैन कौन है, तो एन चंद्रशेखर है, और उनको किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो है फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। मतलब भारतीय व्यक्ति, भारतीय नागरिक को एक यूरोपीय देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजता है या नवाजित किया है, तो वो भारत के लिए कितनी गौरव की बात है, ये आप और मैं बिल्कुल बखूबी समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है। यूपीआई तो आपको पता ही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, और जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, और भीम यूपीआई हो गया, भारत पे हो गया, ये सारे यूपीआई है, ठीक है। नेक्स्ट है, साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ संपन्न हुई है? तो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ईटानगर में आयोजित हुई है। और ईटानगर, यह जो सेवन सिस्टर्स है जो पूर्वी राज्य है, ठीक है, जो पूर्वी राज्य है भारत के, उस उनमें से एक राज्य की यह राजधानी है ईटानगर। तो आप मुझे वो बताइए कि वो राज्य कौन सा है जिसकी राजधानी ईटानगर है, और उसकी राजधानी ईटानगर में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 संपन्न हुई है। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? तो 12 करोड़। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, इस बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल जाएगा कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ नल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? तो 12 करोड़ की उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो तीसरी G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में आयोजित हो रही है, ठीक है, कहाँ पर आयोजित हो रही है? यह श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही है, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट है, और अंतिम क्वेश्चन है, कहाँ इंटरनेशनल एरोमा पार्क का फेज वन पूरा हुआ है? तो यह कन्नौज के अंदर पूरा हुआ है, ठीक है, तो कहां पर हुआ है इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज वन? तो कन्नौज के अंदर पूरा हुआ है, और कन्नौज किस राज्य में है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आपको लगता होगा कि हर तो ये कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप खुद से सर्च करते हो ना कोई चीज, और खुद का एफर्ट लगाते हो, तो वो चीज सबसे ज्यादा टाइम तक और लंबे समय तक याद रहती है। अब आपको अगर जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि ईटानगर की किस पूर्वी भारत के पूर्वी राज्यों में से किसकी राजधानी है, तो आपको उन सारे राज्यों की राजधानी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि जब एक बार आप सर्च करोगे तो वो पूरी लिस्ट आएगी, और पूरी लिस्ट आएगी तो आप बिना पढ़े तो जाने से रहें। दूसरी चीज, लंबे टाइम तक आपको याद रहने वाला है। और एक ये क्वेश्चन है, अरोमा पार्क फेज वन, तो कन्नौज की जो कन्नौज है वो किस राज्य में है, तो ये भी आप मुझे बताएंगे। और एक और मैंने पूछा था आपसे कि जो ये अखिल भारतीय नाट्य परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हैं क्वेश्चन तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।